किसान भाइयों नमस्कार किसान भाइयों आज हम ऐसे धान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस धान का उत्पादन भी बहुत अच्छा है उत्पादन के साथ साथ किसान भाइयों ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है तो किसान भाइयों जो या नया धान है या संशोधित धान है तो किसान भाइयों चलिए इसकी बात करते हैं और सारी जानकारी इस धान के बारे में देते हैं तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ अब किसान भाइयों अगर इस धान के नाम की बात करें तो ये राशि का अन्नम धान है किसान भाइयों राशि का किसान भाइयों जो अन्नम धान है ये किसान भाइयों एक रिसर्च वरायटी है यानी कि संशोधित वराइटी है तो किसान भाइयों राशि का जो अन्नम धान है ये अगर बात करें इसको हमें क्यों लगाना है और क्यों लगाना चाहिए तो किसान भाई सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ एक ये नया रिसर्च धान है और जब भी कोई नई वराइटी आती है तो उसको हमें लगाना चाहिए क्योंकि पुरानी वराइटियों में रोग और कीट की मात्रा बढ़ जाती है और वहाँ की ज़मीन भी समझ चुकी होती है आपके धान को जिससे कि वो ज़्यादा हावी हो जाती है तो किसान भाइयों नया धान हाइब्रिड लगाएं या रिसर्च लगाएं नया धान ही लगाएं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके तो किसान भाई जो राशि का ये अन्नम दान है धान है इसका हर दाना बाहुबली मतलब इसका दाना बहुत ही वजनदार होता है जो राशि का दाना होता है किसान भाइयों बहुत ही वजनदार होता है अगर इसके खाने की बात करें तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और इसकी लंबी बाली आती है लंबी बाली किसान भाइयों आती है और जो बाली में है लरियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जब किसान भाइयों बाली में लरियों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसमें दानों की संख्या भी ज़्यादा होती है किसान भाइयों जब दानों की संख्या ज़्यादा होगी तो वजन भी ज़्यादा होगा अब किसान भाइयों जब बाली का वजन ज़्यादा होगा तो किसान भाइयों आपका जो उत्पादन होगा वो भी ज़्यादा ही होगा तो किसान भाइयों राशि की यही सबसे अच्छी खूबियां हैं कि इसका दाना वजनदार है और अगर इसकी समय की बात करें किसान भाइयों तो एक सौ तीस से एक सौ दिन में ये पक्की किसान भाइयों तैयार हो जाता है और अगर इसकी मैक्सिमम पैदावार की बात करें तो लगभग 40 कुंटल तक लोग काट लेते हैं अब किसान भाइयों अगर बात करें कि राशि का अन्नम धान क्यों हमको लगाना चाहिए तो किसान भाइयों राशि का अन्नम धान इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि इसका जो दाना होता है बहुत ही वजनदार होता है और खाने की बात करें तो किसान भाइयों राशि का जो अन्नम धान है ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहता है और किसान भाइयों ये गिरता भी नहीं है राशि का जो अन्नम धान होता है किसान भाइयों ये गिरता नहीं है और किसान भाइयों जब धान गिरेगा नहीं तो उसका उत्पादन उसका उत्पादन किसान भाइयों बढ़ जाएगा तो किसान भाइयों ये राशि का जो अन्नम धान है किसान भाइयों ये गिरता भी नहीं है और उत्पादन भी बहुत अच्छा देता है तो किसान भाइयों इस बार आप राशि का अन्नम लगाइए बहुत अच्छा उत्पादन आने वाला है तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक भी कर दो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं खेती से रिलेटिव ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ तो किसान भाइयों इस बार जो है राशि का अन्नम धान आप लगाइए एक रिसर्च बराइटी है और किसान भाइयों सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और ये सबसे बड़ी ख़ासियत है कि ये गिरती नहीं है किसान भाइयों कोई भी वैरायटी अगर अगर गिरेगी नहीं तो उसका उत्पादन ज़्यादा ही होगा तो किसान भाइयों जो राशि की ये अन्नम वैरायटी है किसान भाइयों गिरेगी नहीं और उत्पादन भी ज़्यादा दे के जाएगी तो किसान भाइयों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान